JSSC CGL परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कराने को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस संबंध में छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात भी की थी। राज्यपाल ने छात्रों की शिकायत पर JSSC और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने को कहा है। उन्होंने पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा सौंपे गए साक्ष्य और अन्य बिंदुओं को संलग्न करते हुए निर्देश दिया है कि जांच के बाद आरोप सही मिलने पर मामले में अग्रतर कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने JSSC को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इधर छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार रात 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा के आंसर की जारी कर दी है। आंसर की के जारी होते ही छात्रों की नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल गुरुवार को JSSC कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने आंसर की जाँच पूरी होने तक जारी नहीं करने का आग्रह आयोग से किया था, मगर आंदोलन समाप्त होने के बाद देर शाम JSSC के द्वारा इसे जारी कर दिया गया। इससे नाराज होकर छात्रों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। छात्रों के अनुसार आयोग के समक्ष बातचीत के दौरान आश्वासन दिया गया था कि सोमवार 30 सितंबर को इस मामले में बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, मगर आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। आयोग के सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों से मिले पेन ड्राइव, CD और रिपीट किए गए प्रश्न पत्र जो सबूत के रूप में देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी, उस पर सोमवार 30 सितंबर को बैठक होनी है, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 22 सितंबर को प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्नों का उत्तर कई अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध था। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब पहले ही लीक हो गया था। GS का पेपर जो पहले दिया गया था उसमें गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के सभी प्रश्न को रिपीट किया गया था। गणित के प्रश्न SSC CGL 2022 में पूछे गए सभी प्रश्न की पुनरावृत्ति थी। बिना कोई बदलाव किए गए सभी 20 प्रश्न उसी परीक्षा से पूछे गए थे। वहीं रीजनिंग के सभी 20 प्रश्न CGL 2019 में पूछे गए प्रश्न के थे। कंप्यूटर के 20 प्रश्न JBPS RRC 2023 के तथा पेपर 1 में UPSC CSET 2019 से हिंदी व अंग्रेजी के 120 प्रश्न रिपीट किए गए थे। इससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई। सचिव से मिलकर आए अभ्यर्थियों ने बताया था कि आयोग को पेन ड्राइव, CD और रिपीट किया हुआ प्रश्न पत्र सबूत के तौर पर देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। सचिव ने अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सबूतों की जांच करने और सोमवार को आयोग की बैठक का निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया था। अभ्यर्थियों ने कहा था कि सोमवार को छात्रों के हित में फैसला नहीं आने पर दोबारा आयोग के समक्ष आंदोलन करेंगे। इधर CGL परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भाजयुमो रांची महानगर ने हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने डिजिटल इमरजेंसी लगाते हुए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा, इसके बावजूद पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं। इस सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूस का भाई। पर JMM वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.